तो उसको हम बोलते हैं गढ़वाली में बीजे काकड़ी। और वोट जंप। ओ भाई कहाँ कहाँ इंजीनियर जिन तुम फिट इंडिया जो अभियान था तो उसको आगे बढ़ाते हुए, और ताऊ जी की उम्र की मैं बात करूं तो 60 प्लस ताऊ जी की उम्र। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं प्रमोद रावत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार व्लॉग के साथ। और दोस्तों, जो पिछला व्लॉग आपने देखा होगा वो मैंने श्रीनगर में रिकॉर्ड किया था, और जो आज का व्लॉग मैं शूट कर रहा हूं तो ये अपने गांव के नज़दीक जहाँ पर हमारा स्टेशन है रोड में, तो वहाँ से आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूं और यहीं से आज के व्लॉग की शुरुआत भी कर रहा हूं। और आप बोल रहे होंगे जो बीच का रास्ता है वो मैंने आपको नहीं दिखाया, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं अपने धनों लेके नहीं गया था क्योंकि मेरे पैर में लगी थी चोट और रोड भी खराब थी, इसलिए धनों तो नहीं लेके गए थे हम। और आज आया हूं मैं बस में, तो बस में तो मन इच्छा वाली सीट मिलती नहीं है, तो मैं अंदर वाली सीट में बैठा था तो वहां से वीडियो बनाने के लिए हुआ नहीं, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन हम आ चुके हैं एक बार अपने पहाड़ों में, अपने शानदार पहाड़ों में, सुंदर पहाड़ों में, तो यहां से आपको बहुत ही झकास वाली वीडियो आज से मिलने वाली है एक बार फिर से। तो यहीं से चलते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी मैं धनों में बैठा हूं। और आप बोल रहे होंगे कि आप तो धनों लेके गए नहीं है तो धनों में कहां से बैठ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धनों को बहुत दिन से मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो मैं जैसे ही रोड पर आया, चाबी मेरे पास थी तो मैंने सोचा तो थोड़ा इसको स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो इसकी बैटरी जो है वो बंद हो जाएगी और जो हॉर्न होता है वो भी नहीं बजेगा, तो दिक्कत हो सकती है मुझे जब भी मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूं, तो इसीलिए थोड़ा स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो अब घर की ओर बढ़ते हैं और जो हमारी धनों है उसको पहले खड़ी करते हैं स्टेशन पे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, मैंने जो अपनी धनों को पूरा पैक कर दिया है और अभी यहाँ से पैदल रास्ता हमारा शुरू होता है। हेलो हेलो गाइज। तो गाइज, अभी अपने हम गाँव की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आज हमारे साथ हैं हमारे चाचे लोग और चाचे लोग, तो पहली बार ही हमारी वीडियो में आ रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी वीडियो में। धन्यवाद। और हम बताना चाहेंगे, चाचा हमारे जॉब करते हैं गुजरात अहमदाबाद में और चाची रहती है अगस्तमुनी, इसीलिए हमारी वीडियो में आपको नहीं दिखते होंगे। और ये इनके बच्चे, ये है गुड़िया, गुड़िया बोल तो हाय, और ये है गोगी, गोगी तू भी बोल, गोगी देख बेटा इधर। तो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं शायद, या मुझे देख के ऐसे कर रहे हैं। तो पहला दिन है इनका आज, तो इसीलिए मुझसे इतना सर ज़्यादा शर्मा रहे हैं ये। कोगी बोल हाय, कोगी गुड़िया बोलेगी हाय, गुड़िया बोलेगी हेलो गाइस बोल तो। हेलो गाइस। नहीं बोल रही है, गंदी लड़की, गंदी है बेटा तो फोन भागी, ये अच्छी लड़की है। तो गाइज, अभी शाम का समय है और अभी का मौसम आप देख सकते हैं, चमचमाती धूप अभी भी लगी है क्रौंच पर्वत पर। और एक हमारे सब्सक्राइबर थे विनोद रावत जी, जिन्होंने मुझसे एक शिकायत की थी, आप अपने यहाँ से क्रौंच पर्वत नहीं दिखाते हो, कार्तिक स्वामी नहीं दिखाते हो। तो देख लीजिए, यह है क्रौंच पर्वत और यहाँ पर मेरी उंगली पर यहाँ पर विराजमान है कार्तिक स्वामी, जिनका कि नॉर्थ इंडिया में एकमात्र मंदिर है हमारे उत्तराखंड में, और हमारे गांव के बिल्कुल सामने ये क्रौंच पर्वत है। और जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है तो ये है मालकी गांव, और इधर मैं सामने आपको दिखाऊं केदार घाटी, तो वहाँ पर अभी भी बादल लगे हैं और आशंका है कि बारिश हो सकती है। तो चाची लोग थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा थकान लग रही होगी, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइज, अभी पहुँच चुके हैं हम अपने गाँव के नज़दीक, अपने गाँव के खेतों में, और आप हालत देख सकते हैं मेरी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई है और बाल देख सकते हैं कैसे बिखर चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी खड्डे से बाहर निकाला होगा, लेकिन जो भी है अच्छा है। और आपको थोड़ा यहाँ से गांव का व्यू दिखाता है क्योंकि बहुत दिन के बाद गांव आ रहे हैं तो दिखाना बनता है। तो गाइज, कुछ ऐसा है हमारे गाँव का व्यू अभी का शाम का, और आप देख सकते हैं एक साइड धूप है एक साइड धूप नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गाँव के बगल में कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, तो शाम को यहाँ पर धूप थोड़ा कम नज़र आती है, और यहाँ पर धूप इसलिए है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से आप देख सकते हैं हल्की रोशनी नज़र आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर धूप है। और बहुत दिनों के बाद अपने गाँव आ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा हूँ जैसे स्वर्ग में पहुँच गया हूँ, क्योंकि जो हमारे गांव है ना, जो हमारी ये पहाड़ियाँ, तो ये मुझे ज़्यादा देर श्रीनगर में टिकने नहीं देती है। मैं यूँ कहूँ कि मजबूरी में श्रीनगर में जितने भी दिन रहता हूँ तो उतने दिन मजबूरी में रहता हूँ, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा मुझे अपनी ओर बुलाते हैं और आकर्षित करते हैं। वैसे ही आपको भी करते होंगे, क्योंकि जैसी ज़िंदगी हमें पहाड़ में मिलती है ऐसी ज़िंदगी हमें पैसे देकर भी नहीं मिलने वाली है। तो बातें होती रहेगी, अभी बढ़ते हैं गाँव की ओर, अभी चाची लोग तो आए नहीं है तो अकेला ही बढ़ता हूँ। तो गाइज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर है ककड़ी जो कि बिल्कुल पीली हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं गढ़वाली में बीजे काकड़ी, और हिंदी में बोलूँ तो बीज के लिए ककड़ी जो होती है, तो इसको ऐसा पीला करके बिल्कुल सुखाया जाता है और इससे बीज निकाल के उन बीजों को यूज किया जाता है फिर से बोने के लिए। तो क्या बोला मैंने, इसको बोलते हैं बीज की ककड़ी। और सामने आपको एक ककड़ी मैं और दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ पर, ये तो अभी हरी है,
अब जिसकी भी होगी मेरे को पता नहीं किसकी है, नहीं तो चोरी कर लेंगे इसको आज रात को। क्यों करेगी, तू भी चोरी करेगा? यस ककड़ी चोरी करेगा? ककड़ी खाने आए बना दादी नहीं खाएगा बोल। गोगी किसके घर पे पहुंचा? किसके घर पे पहुंचा बेटा? है गोगी दादी का, दादी के घर पे। हेलो गोगी, चाचा पन्ना। तो गोगी को पता ही नहीं है किसका घर है, तो ये चाचा लोगों को घर है। तो चाची चलते हैं, अभी मिलते हैं। चाची प्रणाम। और यहाँ पर है हमारी चाची जो कि अभी शायद घास के लिए जा रही है। ओ सब बढ़िया, तुम्हारी तबियत पानी कौ जाने तो मदद चली। अच्छा ओ जाओ जाओ। हेलो टाइगर। ओ वो 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 वो। तो टाइगर भी मुझे पहचान नहीं रहा है, तो ऐसा सोच रहा है अभी खाऊं मैं इसको, लेकिन नहीं खा सकता क्योंकि उसको बांध रखा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए कितने सारे फूल इस पेड़ पे लगे हैं, इस पौधे पे लगे हैं। और ये देखिए क्या मस्त मस्त फूल है। थोड़ा शाम का समय है इसीलिए फोकस नहीं हो पा रहा है। अरे वाह, जैसे ही आज मैं घर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर गेंदे के जो फूल हैं, तो कितने सारे यहाँ पर फूल हैं और कितने सुंदर यहाँ पर दिख रहे हैं। और इनके बीच में जो आपको नज़र आ रही है ना, ये तो इसको बोलते हैं बिच्छू घास, जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं कंडई। तो ये हाथ पे लग जाए तो झस हो जाता है, पर लगाएंगे नहीं। तो अभी फूल आप देखिए, एक सिनेमेटिक शॉट लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं। मापन ठीक ठाक ठीक है ना सिंह? तो गाइस अभी मम्मी कहती हो झंगोरो है, तो ये झंगोरा है। मम्मी लोगों ने उसको मांडा होगा, कूटा होगा, जो भी किया होगा। तो अभी उसमें से जो कचरा बाकी है उसको साफ कर रहे हैं, और साफ करके यहाँ पर रख रहे हैं। तो इसकी प्रक्रिया अगर आगे हो तो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। अभी चलते हैं भोटू के पास, जिसके लिए कि लेके आए हम ये कागजे हैं। जेजे मिलाटा प्रणाम को ना, प्रणाम को ना मैं। अरे मैं तो भी स्कूल ले ही नहीं था। अरे ले ले अरे रे अले ले ले इतना चल 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 भोटू। तो गाइज ये होता है एक मालिक और कुत्ते का प्यार, भोटू। तो इसीलिए मैं भोटू के लिए बिस्किट लेके आया था उदी के दुकान से। अगर नहीं लेके आता तो भोटू ऐसे ही रोता रहता, देना रे देना ना खो ले पुरु कौन पुरु कौन ले खोली दिन बाहर रुक जा। भोटू जंप, भोटू जंप, गुड गुड जॉब जी, गुड जॉब। वंस अगेन भोटू जंप। ओ भाई कहाँ पैर रख रखे तूने, कपड़े गंदे कर दिए मेरे हैं भोटू। अब तो दो मिलेंगे, अब और जंप मारना पड़ेगा तेरे को डबल वाला। चल भोटू जंप जंप भोटू जंप। ओ भाई एक तो हाथी पे खा दिया उसने और एक नीचे गिरा दिया भोटू। ये लास्ट है, पहले उसको खा ले। बड़ो जंप। ओ भाई तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वो मीठे बिस्कुट हैं पार्ले जी वाले, तो ज़्यादा कुत्ते को नहीं खिलाएंगे क्योंकि उसके अंदर पेट में कीड़े हो जाएंगे और वो बीमार हो सकता है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कुत्ता बीमार हो। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा थकान लग चुकी है। तो भितर क्या कौन हो रहा है, तो भितर क्या कौन हो रहा है, भितर क्या कौन हो रहा है, अजी कौन हो ले। चल यार दुई का ले, अब मेहनत नहीं कराएंगे ज़्यादा, बिस्कुट खेल लो ठीक। और गाइज आप सामने देख सकते हैं तो यहाँ पर भंडार लगा है किस चीज़ का, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड ये देखिए। तो गाइज ये धान है जो कि कुछ दिन पहले खेतों में था, तो मम्मी लोगों ने इसकी मंडाई की होगी, मैं तो घर में था नहीं, तो ठीक ठाक ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक हमारे यहाँ धान भी हो रखा है। तो चलो अभी कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। आ हा हा हा
तो गाइज मज़ा आ गया चाय पीने के बाद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान लग चुकी है और मेरा सर दर्द भी हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ किसमें, बस में। वैसे मैं अपनी धनों को लेके जाता हूँ तब उतना सर दर्द नहीं होता, लेकिन जब भी मैं बस में जाऊँ टैक्सी में जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। तो अभी मैं पी रहा हूँ चाय, वो भी देख सकते हैं आप कितना छोटा गिलास है चाय के लिए मैंने निकाला हुआ है, तो इसको पीते हैं और उसके बाद आपको फिर से मिलते हैं। तो गाइज अभी चाय भी पी ली है, तो अभी जा रहा हूँ मैं पंगरोली की साइड। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले जब यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारी टंकी जो है वो यहाँ पर बन रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर टंकी बिल्कुल तैयार है बनने के लिए। और यह है मिस्त्री जी हमारे, बोलिए नौ कैसे तुम्हारो? तो राकेश जी यहाँ पर यहाँ के मिस्त्री हैं, तो कथा टाइम लोगों लिए बनवाओ। तो यहाँ राकेश जी हमको बता रहे हैं कि दो तीन दिन और लगेंगे, उसके बाद हमारी जो टंकी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी बन के। और अंदर का आप काम देख सकते हैं, क्या ही गजब का काम हुआ इसमें हुआ। और उम्मीद करता हूँ जो पुरानी हमारी टंकी थी उसकी तरह इसका बुरा हाल ना हो, क्योंकि उस वाली टंकी में जो पानी का रिसाव है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता था, तो पानी इसमें ठहरता ही नहीं था। लेकिन जो भी होगा अब आगे देखेंगे, जब इसका काम पूरा हो जाएगा इसमें पानी जाएगा वो चीज़ें तो बाद में पता चलेगी। चलो अभी पंगरोली की साइड चलते हैं कि वहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं। हेलो गाइस। हेलो गाइस। प्रणाम। प्रणाम। ठीक ठाक तबीयत पानी लगे छिन? अति सुंदर बैग ले गए ना विश्वास तो नहीं। तो गाइज अभी पंगरोली स्टेडियम में हम पहुंच गए हैं और आप यहां पर देख सकते हैं पापा उसी पोजीशन में एक बार फिर से लगे हैं दिहाड़ी करने पे और यहां पर रोड़ी तोड़ रहे हैं। तो आपको थोड़ा आगे भी दिखाता हूं कि और क्या हो रहा है हमारे पंगरोली स्टेडियम में। और गाइज विनोद भाई साहब भी वही काम करते हुए एक बार फिर देखे गए हैं। नमस्कार 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 नमस्कार। वो रोल ना पहले वीडियो कर दो एक बार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो विनोद भाई साहब के साथ साथ यहाँ पर लगी है अनुष्का भी। प्रणाम प्रणाम। चौ प्रणाम। ठीक ठाक लगे तुम भी? ओ लगे ना अच्छो अच्छो। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुष्का भी लगी है और सारे लोग वहाँ पे देख सकते हैं, सब लोग रोड़ी तोड़ रहे हैं और वहाँ पर पता नहीं क्या बन रहा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लगा रहा वाह। और देख सकते हैं अनुष्का यहाँ पर बैल भी लेके आई है और हमारे भाई साहब भी बैल लेके आए हैं, सामने देख सकते हैं हमारे हीरा मोती। और यहाँ पर बहुत सारे बैल भी आ रखे हैं, तो एक साथ दो तीन काम यहाँ पर हो रहे हैं, बैल चराने का भी, रोड़ी तोड़ने का भी, पत्थर निकालने का भी, और खेल कूद तो होता ही रहता है हमारे फील्ड में। चाचा बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा खड्डा कर दिया है, इसमें पैर टूटने का भी आशंका है। पहले ही मेरे पैर में चोट लग रही है, आपको पता होगा, वो तो ठीक हो गई है। कैन खा रहे हो खड्डा? लो खड्डा कैन करी यू मैं कूड़ उतवाने जल्दी बताओ। हाँ बताओ। किता करते हैं बोल दे बुला दे बोल तक। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहा बोलू कूड़ू कखा इंजीनियर छिन तुम अगस्मुनिया इंजीनियर छिन। और ये है हेलो गाइज। हेलो गाइज। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। प्रणाम प्रणाम। ठीक हो गया जबल दे प्योर जबल रोणकन गए खाली कूड़ बड़े लिया रोणकन गए जा खटन खटू भी जान मेला मेरे प्योर क्या पागल से रही हूँ। तो गाइस इसने अपना जो घर बनाया था वो तोड़ दिया है, तो ऐसे गधे भी हमारे यहाँ हैं जो अपने घर को तोड़ने के लिए मजबूर हैं। और इसका घर भी हम तोड़ने वाले हैं अभी। कथा मजबूत चवल ढेंटड़े। तो गाइज ये काफी मजबूत दिखाया जा रहा है क्योंकि मेरा पैर भी आसानी से झेल पा रहा है, मेरे पैर का भार ये। बचपन में हम भी यही बनाया करते थे, लेकिन आजकल के लड़के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ऐसे खेल रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा फ्री फायर खेल रहे हैं, तुम्हारे पबजी खेल रहे हैं और बहुत सारे फोन पे लगे हैं। लेकिन हिमांशु जी और यहाँ पर गणेश ये काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका है हमारी पुरानी चीजें जिंदा रखने के लिए।
तो गाइस जो ये मकान बनी है इसका पूरा श्रेय जाता है हिमांशु जी को। और अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पैर का भार संभाल रहा है, तो एक बार फिर देखते हैं, भूकंप आ गया। तो गाइस भूकंप भी आ गया लेकिन तब भी ये जिंदा है ये मकान, तो भूकंप रोधी भी एक मकान है, ठीक है। तो अभी और चीज़ देखते हैं क्या होता है। सर जी हम भी बनाएंगे बनाएंगे, छोड़ एक गाना सुना दे यार, बहुत दिन से गाना नहीं सुना है तूने। अच्छा अपन बोला तू मेरी बहना वो एक पैर साला अपन जब भी सच बोलता अरे झूठ काहे में पैरे अरे ये उसकी स्टाइल होएगा होठों पे ना दिल पे हाँ अगर भाई गान लगो चल हिंदी हिंदी तो बोलो अगर फुर्की बांध फुर्की बांध फां फां दुकड़ी बांध धुआं धुआं चल हिमांशु तो तेरा हो जाए गाना बोल लो यार हमको नहीं कुछ भी चल मानिया तू मने आना मने दिलदार आसान दे तेनू रब बने। बहुत खूब बहुत खूब। तो ऑलराउंडर हमारे यहाँ के पहाड़ के बच्चे हैं, सिंगिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं, और ये देख सकते हैं ऐसे मकाने भी बनाते हैं, मिस्त्री भी हैं। तो सब काम करते हैं। और आज उसी और क्या करेगी अब हम क्या करेंगे डांस करेंगे गाना लगाओ हम डांस करेंगे। अरे अगर मैं गाना लगाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए मैं गाना नहीं लगा सकता। तो चलो गाने अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं दिखानी है। और बोल अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। हाँ तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ताऊ जी भी यहाँ पर लगे हैं, और पंगरोल स्टेडियम में फिट इंडिया जो अभियान था तो उसको आगे बढ़ाते हुए, और ताऊ जी की उम्र की मैं बात करूँ तो 60 प्लस ताऊ जी की उम्र है, और इस उम्र में भी वो अभी देख सकते हैं आप इवनिंग वॉक तो आराम से लोग करते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं वो हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर दौड़ रहे हैं। और रामदेव बाबा के परम भक्त हैं ताऊ। हाँ तो ताऊ जी की फिटनेस का जो राज है वो रामदेव ने उनको पता नहीं क्या क्या बताया है, और डेली वो सुबह शाम यहाँ पर रनिंग करते हैं। और जो आपको ऊपर चोटी नज़र आ रही है ना लास्ट में, जहाँ पर चीड़ के पेड़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो ताऊ जी सुबह उठकर सीधे वहाँ जाते हैं। तो सबसे अच्छे फिट रहने का बात यही है कि सुबह जल्दी उठो और हो सके तो मैदान में आओ और थोड़ा बहुत पसीना बहाओ, तो यही है। और देख सकते हैं आप ताऊ अभी एक्सरसाइज भी करेंगे, और गणेश महाराज की एक बार फिर बिल्डिंग यहाँ पर शुरू हो गई है, अपनी बिल्डिंग खुद तोड़ने वाला आदमी है ये देखिए। और गाइस मेरा बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं किस बात से ये सर दर्द हो रहा है। तो आज की वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत बाय बाय टाटा।